नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 18 वर्सेस मोटोरोला G31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो कैमन 18 में 6.65 इंच जबकि मोटो G31 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि कैमन 18 से कम है। विड्थ की बात करें तो कैमन 18 में 3.02 इंच जबकि मोटो G31 में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि कैमन 18 से कम है। बात करें थिकनेस की तो कैमन 18 में 0.35 इंच जबकि मोटो G31 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो कैमन 18 में 203 ग्राम जबकि मोटो G31 में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो कैमन 18 में IPS LCD जबकि मोटो G31 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो कैमन 18 में 20:5:9 जबकि मोटो G31 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो कैमन 18 में 6.8 इंचेस जबकि मोटो G31 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कैमन 18 में 1080x2460 और मोटो G31 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैमन 18 में 85.05% जबकि मोटो G31 में 82.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो कैमन 18 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि मोटो G31 में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो कैमन 18 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और मोटो G31 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो कैमन 18 में 4GB की रैम मिलती है, जबकि मोटो G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो कैमन 18 में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि मोटो G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो कैमन 18 में अप टू 256GB जबकि मोटो G31 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो कैमन 18 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें मोटो G31 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो कैमन 18 में 7
फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें मोटोरोला G31 की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में मोटो G31 आगे है, मेन कैमरा में मोटो G31 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M32 5G है, दूसरा ओप्पो F19S है, तीसरा ओप्पो A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो E40 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।